चलिए शुरुआत हो गई दूसरी इनिंग्स की भी, और अच्छी शुरुआत गेंदबाजी के अंदर कहना पड़ेगा, बिल्कुल सटीक का टप्पा राहुल ढूंढते हुए पहली बॉल पे डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी है, एक ही रन मिलेगा, ये देख लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर कर बैठे गेंदबाजी, चार मिलेंगे, पहला चौका इस पारी का आता हुआ कार्तिक के नाम। अभी आपने जो जिक्र किया था रवन भाई, जो फील्डर उन्होंने शिफ्ट किया, अगर वो शिफ्ट नहीं करते तो शायद सीधी उनके हाथ में गेंद जाती। ओ गैप में है और यहाँ पे रन्स मिलेंगे, आउटफील्ड थोड़ा सा धीमा हो जाता है लेकिन यहाँ पे चार मिल जाएंगे। विकेट, एक और, मिडिल स्टंप लाइन को अटैक किया, जी हाँ सफलता को कह रहे हैं कम टू मी, और बीच का डंडा बाहर गया, और ये देखिए फैंस, जैमी ने जो लास्ट ओवर डाला था पहले इनिंग में, तीन विकेटें निकाली थी उनमें, और ये देखिए टिप्पा सही और स्टंप्स में यू मिस आई हिट, विल सी यू लेटर। इस बार इंतजार किया गेंद का, आने दिया है बैट के ऊपर, विकेट, वही सोच कि ज्यादा गति देनी नहीं है और लाइन बिल्कुल स्टंप्स पे रखनी है, आप दम लगा सके तो लगा लें, निरूप अक्रॉस खेल गए हैं और अपनी ही विकेट गवाई है, बिल्कुल हल्की सी अंदर आती हुई है गेम, विकेट, यहां पे विकेट है, कार्तिक को जाना पड़ेगा वापस, देखिए बड़ा शॉट लगाने गए थे कार्तिक लेकिन ये अच्छा कैच है कवर्स में, और बंगाल टाइगर्स का जो खेमा है ना जी, हाँ ये लीजिए इनकी सेलिब्रेशन काफी देर तक चलने वाली है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा शॉट था, बड़े तेजी से मारा था, बट क्रेडिट पूरा फील्डर को जाना चाहिए, लुक एट इट, देयर इज अ वेरी गुड कैच, एब्सोल्यूट बुलेट स्ट्रेट इन हिज हैंड्स, मेक नो मिस्टेक, ब्रिलियंट फील्डिंग एफर्ट। लीजिए इस बार गेंद आई है लपेटे में और गई है कहां, छह के लिए, मुझे लगता है मेरी बात सुन लिया करण ने, ये देखिए 85th ऑफ द टूर्नामेंट, देखिए कई बार ना आप अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास रखिए और वो विश्वास रखा है यहाँ पे करण आर्यन ने, इस बार थोड़ी सी स्टंप्स की लाइन पे गेंद थी और इसी वजह से लपेटे में आ गई है गेंद, इस बार बड़ा शॉट है, छह के लिए शॉट है, टॉप शॉट, और बप्पा यहां खुश नहीं, और यहां देखिए 86th ऑफ द टूर्नामेंट, अच्छी गेंदबाजी है, वाइड ऑफ द क्रीज गए थे, केवल चार रन दिए इस ओवर से 39/3। I'll start playing there in the field. Who, according to you, is the ace of your team? Krishna. Krishna? Oh, edge ke nazdeek. Fiki appeal. Aur wide nahi di gayi. Shot. Aur pura distance. 6 run aaya Krishna ke balle se. Krishna ke chakke ki sabse badi khasiyat ye hai ki wo ya to 2 tire pe jata hai, yahan bahut hi dur tak jata hai. और लगभग ये मेरे को लग रहा है कि 100 मीटर के आसपास का छक्का होगा, और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक वहां पर कृष्णा के बल्ले से निकलता है। कृष्णा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस मैच को कंट्रोल करते हैं, स्कोरबोर्ड प्रेशर जैसी कोई चीज कृष्णा के लिए लागू नहीं होती है, जब भी आते हैं अपने हाथों को खोलकर हर एक दिशा में शॉट्स लगाते हुए कृष्णा, देवू के ऊपर प्रेशर, अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद, लेकिन उसे दिशा दिखाकर समझदारी के साथ स्मार्ट शॉट यहां पर कृष्णा की ओर से, 4 रन और 6 ओवर के बाद 57/3 का नाटक, 4 रन अपने लिए एकत्रित किया, यहां पुल किया करण ने, और बिल्कुल गैप में ये 4 रन और बंगाल टाइगर्स की मुश्किलें बढ़ रही है, अब 70 रन की लीड, कोई समय लेने वाली बात नहीं है उनके लिए, आते ही है आतिशबाजियों की शुरुआत कर देते हैं, यहां ड्राइव किया है और गैप में किया है, 4 रन और महंगा ओवर साबित होता हुआ, 12 रन आ चुके हैं अभी तक,
एक बार फिर से खेल दिया है और एक बार और चार रन मिलेंगे कृष्णा। 10 बॉल 26 रन, 73 रन पर पहुंच चुका है स्कोर, 81 पर पहुंच चुकी है लीड बंगाल टाइगर्स के सामने। अब कृष्णा और करण बहुत ही ज्यादा मुश्किलें खड़ी करते जा रहे हैं। बढ़िया शॉट उठा दिया इस बार, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं, 6 रन मिलेंगे, सिर्फ टाइमिंग का ये शॉट था। डार्लिंग कृष्णा एक बार फिर से अपने ओपोनेंट्स के लिए कमाल किए नहीं खेलते हुए। 89th सिक्स इस टूर्नामेंट का, फुल टॉस बनाया ऐसे और क्या गजब की टाइमिंग। और ये शानदार फुल टॉस, लो फुल टॉस, डीप विकेट के बाहर 6 रन के लिए, करण भी पीछे नहीं रहेंगे। 73 रन की पार्टनरशिप हो गई है, 100 के करीब पहुंच चुका है कर्नाटका बुलडोजर्स का ये लीड। करण आर्यन और कृष्णा शानदार पारी खेल रहे हैं और ये देखिए एक और फुल टॉस, उसे लो फुल टॉस को खेला। एक बार एक घुटने पे जाते हैं तो जब तक बॉल सीमा रेखा पार नहीं करती है इसका इंतजार करते रहते हैं, उसी पोज को होल्ड करके रखते हैं करण। और फिर हवा में खेला गया स्ट्रोक है और मुझे नहीं लगता है ये रोक पाएंगे। 6 रन वहां पर, दरवाजा छक्का आ गया उनका इस टूर्नामेंट का। सिक्सेस के साथ ही डील कर रहे हैं अब डार्लिंग कृष्णा बंगाल टाइगर्स के खेमे में। अब यहां थोड़ी सी निराशा, कि चसदीप जानते हैं कि 100 के ऊपर जितने ऊपर ये लीड जाए उतना मुश्किल ये होने वाला है, लेकिन डार्लिंग कृष्णा को सब सेलिब्रेट करते हुए। जब ये शॉट लगाते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि इतना फासला तय होगा, लेकिन उसके बाद जो ये दूरी तय होती है वो बहुत ही शानदार। कृष्णा के द्वारा फुल टॉस बना के गेंद को खेल दिया है वहां पर कवर्स के ऊपर से, 6 रन 4 रन के लिए, बढ़िया स्ट्रोक वहां पर। और इसके साथ ही करण जो है 48 पे जा पहुंचे। करण साइक पर अब फुल टॉस पुल किया, 6 रन मिलेंगे, क्या ये नो बॉल है ये भी देखना होगा। नो बॉल नहीं दिएगा, 9 ओवर 112 पर 3 कर्नाटका। खेल दिया है लेफ्ट साइड पर, बाउंड्री मिलेगी कृष्णा की, रनों की तृष्णा लगातार बढ़ती जा रही है। एक और हाफ सेंचुरी, 53 रन पर खेल रहे हैं और ये सेलिब्रेशन के थ्रू आता हुआ और उनकी बैट से जब बातें हो रही है, इस बार तो नो बॉल दिया जाना चाहिए। फुल टॉस है और 4 रन भले ही बच जाएंगे लेकिन अगली बॉल पर फ्री हिट मिलेगा। यहां प्रेशर में बॉलर लेग साइड पर खेल दिया है, देखते रह जाएंगे, निहारते रह जाएंगे फील्डर्स। एक और छक्का, पप्पा दया परेशान, लेकिन करण आ चुके हैं अब 49 पर। कमाल करके दिखाया और धीरे से ये गेंद को प्लेस करना चाहते थे, अपील हुई वहां पर हल्की सी, अलग अलग तरीके से इसे चेक किया जा रहा है। और फिलहाल यहाँ आखिरी पुष्टि के लिए काफी कॉन्फिडेंट थे वहां पर, उदय 3 बार अपील की उन्होंने और विकेट कीपर ने उनका साथ नहीं दिया। अगर विकेट पर उनका साथ देते तो शायद अंपायर पर प्रभाव पड़ सकता था और ये आउट करार दिया वहां पर। और दुर्भाग्यपूर्ण 49 रन बनाकर करण आउट हुए हैं। प्रेशर में उदय, 14 रन आ चुके हैं उनके इस ओवर में। उठाकर खेला है मंजुनाथ ने इस बार, कैच का मौका और अच्छा कैच इस बार। ये तो एक डॉट बॉल और उदय के लिए एक और विकेट, उदय की आखिरी बॉल, इनिंग की आखिरी बॉल। किनारा लगा, 4 रन आएंगे यहां पर, चाहे जिस भी तरीके से आए कर्नाटका उसे करेंगे मंजूर। 130 रन का ये बहुत बड़ा स्कोर किया है खड़ा और लीड हो जाएगी अब 138 रन की। और राजीव आउट हुए थे 6 रन बनाकर, कार्तिक ने 7 रन बनाए थे और निरूप ने 3 रन बनाए थे और 54 रन की अभिजीत पारी खेली है वहां पर कृष्णा ने। करण ने 49 रन बनाए, 2 रन बनाए वहां पर मंजुनाथ ने। और लास्ट बॉल पे टीवी का चौथा चौका लगा और कुल योग 130, 5 विकेट नुकसान पर बढ़त 138। और ये देखिए विकेट 2 ही मिले जैमी को और वही के अच्छे गेंदबाज रहे।